नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरियन कुमार। आप देख रहे हैं लखीसराय एक्सपो। लखीसराय जिले के कवैया थाना के अंतर्गत बिलौरी गांव के निवासी सह इलाहाबाद 101 बी बटालियन सीआरपीएफ एक जवान उमेश कुमार यादव सहित 3 बच्चे की मौत दिन पहले इलाहाबाद के शांतिपूर्ण मॉल थप्पा गंगा घाट स्नान करने के दरमियान गंगा में डूबने से हुई थी, जिसका शव आज बिलौरी गाँव पहुंची, जहाँ एक झलक पाने को लेकर आसपास के गाँव के लोग भारी संख्या में पहुंचे, जिसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज 101 बी बटालियन के सीआरपीएफ के जवान के द्वारा 300 को ऊपर तिरंगे झंडे से सम्मानित देते हुए लोगों ने सलामी दी। फिर परिवार के दर्शन के बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मराची के सिमरिया घाट पर 300 को दाह संस्कार कर अंतिम विदाई के मौके पर श्रद्धांजलि देते हुए परेड सलामी दिया है। इस संबंध में सीआरपीएफ हेड कमांडर प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि सुबह में उमेश कुमार यादव और एक जवान के परिवार अपने परिवार के साथ गंगा घाट पर स्नान करने गए थे। इस दरमियान 3 बच्चे शांतिपूर्ण मॉल थप्पा गंगा घाट पर डूबने लगे, जिसे देखते ही जवान उमेश गंगा में कूदने की तीनों बच्चों की जान बचाने की बजाय, लेकिन गंगा घाट पर गहराई ज्यादा होने की बजाय और बच्चे को जब पकड़ कर निकाल रहे थे उस वक्त दबाव पड़ने की वजह से और गहराई में जाने से मौत हो गई। काफी प्रयास के बाद सभी शव को गंगा तट से निकाला गया है। सूचना मिलने पर हम लोग पहुंचे, फिर 2 दिन बाद गांव लाया गया। मृतक के परिवार के सदस्य ने बताया कि उमेश कुमार इलाहाबाद में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सुबह में मॉर्निंग के दरमियान अपने दोस्त के परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए गए थे। स्नान करने के दरमियान दोस्त के बच्चे डूबने लगे, साथ ही भी बच्चा डूब रहा था, जिसके बचाने को लेकर गंगा में खुद पड़े थे, लेकिन बच्चों को बचाने के दरमियान यह भी डूब गए, जिसके कारण चारों की मौत गंगा घाट पर हो गई। मृतक उमेश कुमार के 4 पुत्र हैं, जिसमें एक पुत्र विवेक कुमार और पुत्री दीप शिखा की मौत हो गई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। सम्मान गॉड, सम्मान सम्मान गॉड, शहीद को सम्मान देंगे। सम्मान गॉड, भगवान क्या हुआ था? एक्चुअली ये सीआरपीएफ में है और इनकी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में था, बट इनका अभी हाल फिलहाल 1 महीना पहले इनका ट्रांसफर हुआ था और ये परिवार के साथ रह रहे थे इलाहाबाद में, और इनका जो क्वार्टर मिला हुआ था इलाहाबाद में, तो ये लोग मॉर्निंग के दौरान घूमने के लिए गए थे गंगा जी के किनारे। वहाँ पर देखे कि एक इनका साथी का बच्चा पानी में दह रहा था, उसी दौरान इनका भी बच्चा था, उसको बचाने के लिए गया, फिर इनका नज़र सडनली पड़ा उसके ऊपर कि ये 3-3 बच्चा दह रहा था, उसके बचाने के दौरान ही इनका अंदर गंगा जी के अंदर समा गए। वो तैरने के लिए आता था क्या? तैरने के लिए आता था, फलका फलका आता था, उतना तो नहीं एक्सपर्ट थे। क्या नाम हुआ इनका? उमेश कुमार नाम था इनका, और उमेश यादव, और इनका 2 बच्चा है, एक विवेक कुमार जिसका उम्र लगभग 17 साल के आसपास था, और एक हाँ विवेक कुमार और एक बेटी थी उसका उम्र 16 साल के आसपास था, 16 साल था बेटी का और 17 साल बड़ा वाला बेटा का 17 साल और बेटी का 16 साल। उसके बाद इनका एक और बेटी है, वो जो दिव्यांग है बेटी, और एक और क्या बोलते हैं बेटा है 11 या 12 साल का। कितने बल बच्चे हैं उनके? इनको 4 बच्चा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। हम क्या हुआ गंगा जी में चल गलो, कौन गंगा जी में? हमारे बाबू उमेश बाबू सिपाही जी बैठ गए गे माँ, गंगा जी नहा गलो की बैठ गलो गे मैया, गंगा जी नहा। कितना बाल बच्चा है? कितना बाल बच्चा है? 4। तो शादी उदी होले केरो? नहीं, की नाम बोले अपने का? हमारा नाम हो सकली देवी।